नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा सांसद एवं अभिनेता विनोद खन्ना का निधन। 140 से ज्यादा फिल्मों में किया था अभिनय। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को निर्देश, तुरंत लागू करें लोकपाल अधिनियम। छत्तीसगढ़ के सुकमा आ रहे सीआरपीएफ अधिकारियों का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 5 सुरक्षाकर्मी जख्मी। 19 जून तक 1500 करोड़ नहीं जमा कराए तो सुब्रत राय सहारा को जाना होगा तिहाड़ जेल। आम आदमी पार्टी की हार, केजरीवाल की नकारात्मक सियासत का नतीजा, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सलाहकार और दिल्ली प्रभारी आशीष तलवार एवं पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। गोपाल राय होंगे दिल्ली इकाई के नए संयोजक। मोदी ने सस्ती हवाई यात्रा वाली क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण। पाकिस्तान ने गुजरात तट से 23 भारतीय मछुआरे पकड़े। उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु। यूपी के बरेली में भाजपा विधायक की दबंगई, विरोध में नहीं खुले बैंक के ताले। इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाया गया इराक का प्राचीन शहर अल हतरा। भारत की पीवी सिंधु जापान की अया ओहरी को हराकर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में। पुरुष वर्ग में अजय जयराम बाहर। ये थी आज की कुछ खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।